यू टू फैमिली राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, उसके बाद में कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। मैंने सोचा था कि मतलब जब मैंने ब्लॉग शेयर किया था ना आप लोगों से, तब भी मैंने कई दिन में शेयर किया था और सोचा था कि अच्छे थोड़े व्यूज़ वगैरह आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आते। व्यूज़ नहीं आते तो बिल्कुल मन जो है डाउन हो जाता है। लेकिन आज जो है जन्माष्टमी है, तो सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अभी हो रहा है मतलब 8 बजने वाले हैं, अभी 5 मिनट बाकी हैं, शाम के 8 बज रहे हैं मेरे। सुबह से नहीं कोई, क्योंकि काम वाम चल रहा है पीछे और अकेली पड़ जाती हूँ मैं। बच्चे हैं नहीं है, दो बच्चे हैं नहीं है, प्रांशु रह जाता है तो हम दोनों हैं तो देखभाल करने के लिए, तो फिर उधर भी देखना पड़ता है और ऐसे हो जाता है। और मैं बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लॉग बना सकती हूँ बिजी रहने के बाद भी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बहुत बहुत बिजी रहने के बाद भी मैंने ब्लॉग बनाया था। लेकिन अब जो है व्यूज नहीं आते ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। आज मैंने फिर से कैमरा उठा ही लिया, मोबाइल उठा ही लिया कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि रक्षाबंधन हुआ। मैंने उसी दिन ब्लॉग बनाया था कि दीदी वगैरह आने वाले हैं, वो सब लोग आए और एक दो तीन दिन रहे वो, और बहुत अच्छा लगा सबके साथ में खूब। लेकिन ब्लॉग बना सकती थी मैं, फिर भी नहीं बनाया मैंने। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, हो जाता ना फिर अच्छा सा नहीं लगता। और फिर उसके बाद में मैं मम्मी के पास चली गई थी, एक शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों से। और देखो मम्मी के पास से क्या लेकर आई हूँ मैं वापस, देखो ये मेहंदी, और दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई थी मेरी, जो कि ताई जी वगैरह पड़ोस की ताई जी हैं, उनकी बेटियाँ हैं, वो सब ने मुझे पकड़ के जो है मेहंदी लगा दी। और इनके बाद ना मैंने पहली बार मेहंदी लगाई है, जो कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती मेरे मेहंदी लगाई, देखो। और पता है 5 मिनट लगाई होगी, जितनी देर में लगी ना उतनी देर के बाद तुरंत धोती मैंने, फिर भी ये कलर ना बहुत काला आ गया था। और मेरी मेहंदी का वैसे भी काला बहुत डार्क कलर हो जाता है, जैसे कि ये वाली तो वैसी मेहंदी है, अगर हम घोलने वाली भी लगाते ना तो वो भी बहुत कलर अच्छा आ जाता था मेरी मेहंदी का, पहले से बचपन से। कहते हैं ना कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और तो ये बात सच है कि बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता था मेरा। आज बहुत टाइम बाद उनके बाद में मैंने पहली बार मेहंदी लगाई थी, जो कि सब बहनों ने कि दौज पे सबके मेहंदी लगी होती है, राखी पे सबके मेहंदी लगी होती है, आप नहीं लगाते हो, तो इसलिए जो है अब हर बार लगाया करना, जिद करके सबने लगा दी वहाँ पे। और मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे मेहंदी लग रही थी ना, बड़ा खुशी हो रही थी मम्मी को, क्योंकि मम्मी को पापा को भी, पापा भी आ गए थे, तो ऐसे होता है होता है, मायके में सब लोग चाहते हैं ना कि ऐसे रहे वैसे रहे, तो इसलिए। और यहाँ भी मम्मी को दिखाई मैंने, मैंने कहा मम्मी मेहंदी लगा दी सबने, तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, तो ऐसे ही होता है। तो वो सब हो गया था वहाँ से आने के बाद में, फिर भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से बहुत टाइम बाद, और अच्छे जाते हैं ना वीडियो, अच्छी जाती है, तो फिर मन करता है कि आप कुछ ना कुछ शेयर करो। और अभी पता है क्या बना के आई हूँ मैं, क्या क्या बन रहा है पहले आप लोग बताओ, क्या क्या बन रहा है आप लोगों के घर में आज, क्योंकि हर किसी के घर में पंचीरी तो ज़रूर बनती है, जो मावे वाली पंजीरी होती है ना वो वाली ज़रूर बनती है, मेरे घर में तो ज़रूर बनती है। तो अभी मैं भी वही बना कर आई हूँ, अब के खाली मावे की नहीं बनाई है मैंने, थोड़ा सा उसमें एक लौकी छोटी सी थी तो मावे में वो डाल के मैंने बर्फ़ी जमा दी है उसकी, और देखते हैं थोड़ी देर में जम जाएंगी, क्योंकि अभी मैं किचन में से आके ही बैठी हूँ, पसीना आ गया था, बहुत ज़्यादा हो जाता ना किचन में जब काम करते हैं तो पसीना पसीना हो जाता है, तो वो बनाकर अभी आकर बैठी हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी बनी है क्या, अभी जो जमा रखी है अभी बना कर आई हूँ मैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी। और
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो आगे वीडियो शेयर करूँगी मैं, और जो काम चल रहा है घर पर काम चल रहा है वो भी सब दिखाऊँगी। अभी थोड़ा बहुत जैसे कि ऊपर का काम बाउंड्री वगैरह वो सब हो रही है तो उसमें फिर बिजी हो जाती हूँ मैं, वहाँ भी जाना पड़ता है मुझे, एक मतलब एक दो बार नहीं कई बार जाती हूँ मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती कि कोई ना कोई है, लेकिन फिर देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए तो इसलिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो मेरी वीडियो आएंगी फिर तो मिलूँगी आप लोगों को। और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने जो पंजीरी बना रखी है, चलो चलते हैं किचन में। और ये जमा दी है बर्फ़ी, जो कि लौकी की बर्फ़ी जमाई है आज मैंने। वैसे मैं हमेशा ना इसकी मावे की ही जमाती हूँ, लेकिन इस बार आज मैंने लौकी रखी हुई थी तो सोचा इसको बना लेते हैं, यूज कर लेते हैं इसको, और मावा ज़्यादा है इसमें, लौकी कम है। और अभी थोड़ी देर के लिए अभी गर्म है तो रख दूँगी ना, तुझे ये जम कर जो है तैयार हो जाएगी, बर्फ़ी कट जाएंगी इसकी।